नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास फिफ्थ का चैप्टर 12, दैट इज व्हाट इफ इट फिनिशेस। मेरा नाम दीपक और मैं आप सभी के सामने ये चैप्टर रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। क्या होगा अगर ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी? जैसे कि इस चैप्टर में हम बेसिकली पेट्रोल और डीजल के बारे में ही डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या होगा आप सोचो एक बार, अगर पेट्रोल और डीजल ख़त्म हो जाए तो हमें किस तरीके से इसका यूज़ करना चाहिए और किस तरीके से हमें इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहिए? क्या ये कितने समय तक आगे चल पाएगा? क्या हमारे आने वाली जनरेशन इसको देख पाएगी? तो इस चैप्टर में हम इसको अच्छी तरीके से डिस्कशन करेंगे। पेट्रोल कहाँ से आता है, कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको ले चलता हूँ एक जर्नी पर, अ बस जर्नी। टुडे वी वर गोइंग टू अ स्कूल ट्रिप टू द अडालज स्टेपवेल। अडालज एक गुजरात में एक जगह है जो बावड़ी है, जहाँ पे पानी स्टोर करते हैं। इसके पिछले चैप्टरों में मैंने आपको बताया हुआ था, जो अबाउट 80 किलोमीटर है फ्रॉम अहमदाबाद से 18 किलोमीटर की दूरी पे है। वी बिगन काउंटिंग और हमने खेल खेल स्टार्ट कर दिया। हमने आपस में ही एक खेल स्टार्ट कर दिया। क्या हमने स्टार्ट कर दिया? एक बच्चा साइकिल काउंट करने लगा, एक बच्चा बस काउंट करने लगा और एक मोटरसाइकिल। अब्राहम हु वाज काउंटिंग द बाइसिकल, अब्राहम जो बाइसिकल काउंटिंग कर रहा था वो बहुत ही जल्दी बोर हो गया। वो बोर क्यों हो गया? क्योंकि उसे बाइसिकल दिख नहीं रही थी और वो काउंट नहीं कर पा रहा था। अचानक स्क्री द ड्राइवर सडनली ब्रेक एट द रेड लाइट। ड्राइवर ने सडनली ब्रेक लगा दी रेड लाइट पे। इट वाज बिग क्रॉसिंग, बहुत बड़ी क्रॉसिंग थी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। एंड वी कुड सी द ट्रैफिक लाइन, ये देख सकते हैं हम ट्रैफिक लाइन, बहुत ही बड़ी ट्रैफिक लाइन है। अप ऑल साइड, ये सभी तरफ से फैली हुई है। होंग होंग वहाँ पे हॉर्न बज रहे हैं कंटिन्यूसली और धुआं निकल रहा है, धुआं बाहर निकलता जा रहा है। और व्हीकल में मे बी दैट इज़ वाई अ लिटिल बॉय इन रिक्शा, और धुआं कंटिन्यूसली कहाँ से निकल रहा है? रिक्शे से निकल रहा है। और वहाँ पे जो छोटा लड़का है वो देख रहा है उसे और उसको स्मेल आ रही है और वो खांस रहा है। तो वो क्यों खांस रहा है? क्योंकि बसों से क्या निकल रहा है कंटिन्यू, गाड़ी से क्या निकल रहा है? धुआं। और जो स्मेल जा रही है वो धुएं से क्या होता है बेटा? पॉल्यूशन होता है, जो आपके शरीर में जाता है, आपके लंग्स ख़राब करता है। तो इसकी वजह से उसे क्या हो रही है? ये प्रॉब्लम्स हो रही है। उसने भी देखा, उसको भी खुद को भी होने लगा। उसने भी स्मेल किया, फैमिलियर, आई रिमेंबर दिस स्मेल, इट कम्स फ्रॉम द बाबाज ट्रैक्टर। उसने बोला हाँ, ये बाबा के ट्रैक्टर में आती थी ऐसी स्मेल, तो जो हमारे गाँव में है। तो अब आपको ये पता चल गया। अब Look at the picture on page number 110 and write what are the kind of vehicle that you can see। आप कौन कौन से vehicle देख सकते हो रोड पे? तो आप बस देख सकते हो, ट्रक देख सकते हो, मोटरसाइकिल देख सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको रोड पे दिख रही है। What do you think they need petrol or diesel as a fuel? तो कारों को पेट्रोल चाहिए, बाइक को पेट्रोल चाहिए, लेकिन बड़े बड़े ट्रक होते हैं उनको डीजल चाहिए होता है। कुछ गाड़ियाँ सीएनजी से भी चल रही होती हैं। विच ऑफ द व्हीकल डू यू थिंक गिव ऑफ स्मोक, पुट अ रेड मार्क ऑन दोज। तो कौन सी गाड़ियाँ हैं बहुत ज़्यादा स्मोक देती है? जो बड़े बड़े ट्रैक्टर वगैरह होते हैं, वो ट्रक वगैरह होते हैं, वो ज़्यादा स्मोक करते हैं। विच आर द व्हीकल रन विदाउट पेट्रोल एंड डीजल, कौन से व्हीकल हैं जो पेट्रोल और विदाउट डीजल के चलते हैं? जो सीएनजी होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल होते हैं, वो विदाउट उसके पेट्रोल और डीजल के चलते हैं। जैसे आपकी साइकिल भी हो गई विदाउट पेट्रोल एंड डीजल के चलती है। व्हाट प्रॉब्लम डू वी फेस फ्रॉम द स्पीडिंग व्हीकल, अगर हम गाड़ी तेज से चलाएं तो हम क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं? तो अगर हम गाड़ी तेज से चला रहे तो बेटा उसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस होता है, पेट्रोल भी ज़्यादा यूज़ होता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। डू राइड अ बाइसिकल, क्या आप बाइसिकल चलाते हो? अगर हाँ तो वेयर डू ऑल यू गो ऑन इट, वहाँ उस साइकिल से आप कहाँ कहाँ पे जाते हो? सब्जी में जाते हो, मार्केट में जाते हो, कहाँ कहाँ, स्कूल भी जाते हो क्या? हाउ डू यू कम टू स्कूल, स्कूल कैसे जाते हो आप?
आप साइकिल से जाते हो या आपको पापा छोड़ने आते हैं, स्कूल बस से जाते हो, कैसे जाते हो ये आपको बताना है। हाउ डू योर फैमिली मेम्बर गो वर्क फ्रॉम होम, वो आपके फैमिली मेम्बर जॉब पर कैसे जाते हैं। तो जैसे किसी के बाइक से जाते हैं या किसी के कार से जाते हैं या किसी के पब्लिक सर्विस यूज़ करते हैं ना, जैसे बस वगैरह ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। व्हाट प्रॉब्लम कैन वी हैव स्मोक कमिंग आउट ऑफ द व्हीकल, अगर कंटिन्यूसली ऐसे स्मोक आता रहा व्हीकल से तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे पोल्यूशन इंक्रीज हो सकता है और फिर आपको बहुत सारी डिजीजेज हो सकती है जैसे लंग्स डिजीजेज वगैरह। व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम कैन वी फेस फ्रॉम नॉइज ऑफ द व्हीकल, जो कंटिन्यूसली आवाज़ निकलती रहती है तो हम काफ़ी नॉइज़ पोल्यूशन होता है, उससे हमारे कान ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती है। वो ऑन द पेट्रोल पंप, आफ्टर सम टाइम हमारी बस कहाँ पे रुकी, पेट्रोल पंप पे रुकी। देर वॉज अ लॉन्ग क्यू, बहुत बड़ी लाइन थी, सीम्ड एज इफ वी वुड अ लॉन्ग वेट, ऐसा लग रहा था हमें बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा। वी ऑल गोट डाउन फ्रॉम द बस, हम सभी बस से नीचे उतर आए और पेट्रोल के पंप के आजू बाजू देखने लगे। वी सॉ द मैनी लार्ज बोर्ड ऑन द बोर्ड एंड पोस्टर्स, हमने बहुत बड़े लार्ज बोर्ड और पोस्टर देखे थे। वहाँ पे पोस्टर पे लिखा था, वहीं पेट्रोल पंप के किनारे पे एक पोस्टर लगा हुआ था जिसपे ऐसा लिखा हुआ था, ये देखो, पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर, पेट्रोल और डीजल वो हमेशा साथ रहने वाले नहीं हैं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसे सेव करना चाहिए। मेक एवरी ड्रॉप गो लॉन्ग वे, कोशिश करना चाहिए पेट्रोल का हर बूंद लंबे समय तक चले। स्विच ऑफ द इंजन व्हेन द स्टॉप लाइट, व्हेन यू स्टॉप द कार, जब आप कार को रोकते हो तो तुरंत क्या कर दो, अपना इंजन बंद कर दो, इससे क्या होगा, आपका पेट्रोल कम खर्च होगा। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। वी कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई इट वॉज रिटन, हम समझ नहीं पाए ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है, डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर, कि डीजल लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। वी थॉट ऑफ आस्किंग एन अंकल हु वर्क्स एट द पेट्रोल पंप, हमने सोचा कि हम जो पेट्रोल पंप पे अंकल हैं उनसे पूछते हैं। तो अब्राहम कह जाता है, अंकल फ्रॉम वेयर डू वी गेट पेट्रोल एंड डीजल, अंकल से वो पूछता है, अंकल हम पेट्रोल और डीजल कहाँ से लेके आते हैं। तो वो बताते हैं, फ्रॉम डीप डाउन अंडर द ग्राउंड, बहुत ही मतलब जो ज़मीन होती है उसकी बहुत ही नीचे होता है ये पेट्रोल, वहाँ से हम लोग निकालते हैं। मंजू बट हाउ डज इट गेट गेट मेड देयर, लेकिन वहाँ पे कैसे बनता है। तो अंकल बोलते हैं, इट इज़ फॉर्म नेचुरली, वो नेचुरली बनता है, इट इज़ बट वेरी स्लोली, इट इज़ ऑल्सो मेड बाय द ह्यूमन बींग और अ मशीन। अब देखो क्या होता है बेटा, जो समुद्र होते हैं, समुद्र में काफ़ी मछलियाँ होती हैं, उसमें काफ़ी छोटे छोटे ट्रीज होते हैं, फंगस वगैरह होते हैं, काफ़ी मतलब जीव जंतु जो भी होते हैं, वो जब मरते हैं तो वहीं पे क्या हो जाता है, वहीं पे उनकी बॉडी जो होती है वहीं पे क्या हो जाती है, डंप हो जाती है, धीरे धीरे उन पे क्या हो जाती है, मिट्टी जम जाती है और वो लाखों साल लेता है और वही कन्वर्ट हो जाता है कि इसमें आपका फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को लाखों साल लग जाता है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं हम, अब्राहम देन वी डोंट नीड टू बाय इट, हमें इसको खरीदने की क्या ज़रूरत है, वी कैन टेक इट आवर सेल्फ यूजिंग द बोरवेल लाइक अ पंप आउट वाटर, तो हमें इसे खरीदने की जरूरत क्या, हम खुद ही निकाल लेते हैं इसे बोरवेल के थ्रू या पंप करके। तो अंकल इट इज़ नॉट फाउंड एवरीवेयर, ये हर जगह नहीं मिलता है, ये कहीं कहीं मिलता है, जैसे इंडिया में राजस्थान में मिलता है, हर जगह नहीं मिलता, बॉम्बे में मिलता है, इट इज़ ओनली अ फ्यू प्लेसेस इन आवर कंट्री, वी नीड बिग मशीन टू पम्प इट आउट एंड क्लीन इट, इस बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए होती हैं इसको बाहर निकालने के लिए और इसको साफ़ करने के लिए, ऐसा नहीं है हमें डायरेक्ट पेट्रोल मिल जाता है, इसे हमें साफ़ करना पड़ता है। जैसे आप मान लो आपने समुद्र में से एक कोई ड्रिल किया, पंप किया, इसमें से क्रूड ऑयल निकलता है जिसे हम बोलते हैं कच्चा तेल, क्रूड ऑयल है ना, क्रूड ऑयल निकला, अब क्रूड ऑयल से ही आप उसको प्योरीफिकेशन करते हैं तो आपको डीजल मिलता है, पेट्रोल मिलता है, कैरोसिन मिलता है, टारकोल मिलता है, इवन प्लास्टिक पेंट्स, ये सारी चीज़ें कहाँ से मिल रही हैं आपको, ये सारी चीज़ें आपको मिलती है उस क्रूड ऑयल में से, वो
रिफाइनरीज में होता है, जो बड़ी बड़ी रिफाइनरीज होती है, जैसे आपकी रिलायंस की बहुत बड़ी रिफाइनरी, रिलायंस एक्चुअली में इसी पे ही काम करता है। तो फाइंड आउट एंड डिस्कस विच स्टेट इंडिया हैव ऑयल फील्ड, कौन से स्टेट में है। जैसे मैंने बताया बॉम्बे में समुद्रों में से निकाला जाता है, राजस्थान में है कुछ एरिए उन्होंने देखे हैं। बिसाइड ऑयल वट एल्स इज फाउंड इन साइड द अर्थ, तेल के अलावा और हमें क्या क्या मिलता है अर्थ में से। अर्थ में से हमें काफ़ी कुछ मिलता है, गैसेस भी मिलती है बेटा, और भी काफ़ी कुछ मिलता है हमें। तो फाइंड आउट द ट्रैफिक रूल एंड डिस्कस देम इन द क्लास। अब ट्रैफिक रूल क्या क्या होते हैं, हमें कब रुकना चाहिए, कब चलना चाहिए, ग्रीन सिग्नल क्या होते हैं, येलो सिग्नल क्या होते हैं, रेड सिग्नल क्या होते हैं, अपने आपस में ही आपको डिस्कस करना है। वी शुड यूज़ पेट्रोल एंड डीजल ज्यूडिशली, हमें ईमानदारी से इनका यूज़ करना चाहिए, इनके साथ बेईमानी नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, तो आपकी आने वाली जनरेशन को ये नहीं मिलेगा, ये बहुत ही डेंजर में है। अब वो अपनी डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। दिव्या, इज पेट्रोल गोइंग टू फिनिश, द पोस्टर सेड द दैट पेट्रोल इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर। तो अंकल उसका जवाब देते हैं, वो पोस्टर पढ़ के आती है और पूछ लेती है कि ये पोस्टर क्या बोल रहा है कि पेट्रोल वगैरह ये ज़्यादा समय तक नहीं चलेंगे। तो अंकल बोलते हैं, इट डज नॉट गेट मेड एज फास्ट एज वी टेक इट आउट, जितना ज़्यादा निकालेंगे उतनी जल्दी ख़त्म होगा, है ना, इट टेक लैक्स ऑफ, और इसको बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो जिस तरीके से हम इसका यूज़ कर रहे हैं उस तरीके से ये बन नहीं रहा है। अगर हमारा यूज़ ज़्यादा होगा और बनेगा कम तो क्या हो जाएगा, कमी ऑटोमेटिकली पड़ जाएगी। तो अब्राहम, हाउ विल व्हीकल रन इफ़ ऑयल इज़ फिनिश्ड, तो व्हीकल कैसे चलेंगे अगर ऑयल फिनिश हो जाएगी। तभी मंजू बोलती है, ऑन सीएनजी से चलेगी। आई हैड सीन ऑन टीवी दैट व्हीकल विच रन ऑन सीएनजी गिव लेस स्मोक, सीएनजी से चलेगी वो क्योंकि वो क्या करता है, कम स्मोक देता है। अंकल हंसने लग जाते हैं, वो भी बेटा ज़मीन के अंदर से ही आती है, वो भी लिमिटेड ही है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो दिव्या, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू रन व्हीकल, आई हैव सीन एन इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल। अब दिव्या बोलती है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकते हैं हम, है ना, मैंने देखा है बाइसाइकिल मिलती है इलेक्ट्रिसिटी वाली। तो अब्राहम, वी विल हैव टू डू समथिंग और एल्स, हाउ वी विल ट्रैवल व्हेन वी ग्रो, हमें कुछ करना पड़ेगा, हम तो क्या करेंगे, ऐसे ही ट्रैवल करेंगे, बसों से ट्रैवल करेंगे इंस्टीड यूज ऑफ द पर्सनल व्हीकल। तो दिव्या, माय दादी ग्रैंड मदर वुड बी हैप्पी, मेरी दादी बहुत खुश होगी इफ़ फ्यूअर व्हीकल, अगर कुछ ही व्हीकल कहाँ रोड पे दौड़ेंगे। शी सेज लुक व्हीकल लाइन अब चीटियों की तरह गाड़ियाँ यहाँ पे रेंग रही होती हैं, है ना। तो मंजू, सी ओनली वन और टू पीपल आर सिटिंग इन दीज कार, अब आपने देखा होगा रोडों पे कारें चल रही होती हैं, उन कारों में एक ही आदमी बैठा होता है, एक या दो। अब क्या हो अगर उसमें वो पूरी कार भर ले तो ऑलरेडी देखो अपने नेबर से बोले बैठ जाओ मेरी कार में, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तो अपनी कार नहीं निकालेगा। तो इससे क्या होगा बेटा कि एक कार तो घर में रहेगी, ट्रैफिक कम होगा, ऐसे सभी लोग करेंगे तो ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। हमारा फ़र्ज क्या बनता है, हमें बस यूज़ करनी चाहिए और पब्लिक सर्विसेज यूज़ करनी चाहिए, जिससे क्या होगा रोडों पे ट्रैफिक कम होगा। तो अब्राहम बोलता है दैट वी विल सेव पेट्रोल, हम पेट्रोल सेव करेंगे और हम बस में जर्नी किया करेंगे। तो मंजू, व्हेन आई ग्रो अप आई विल इन्वेंट अ कार दैट रन ऑन सनलाइट, जब मंजू बोलती है जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं ऐसी कार बनाऊंगी जो सनलाइट से चलेगी, देन वी वॉन्ट हैव टू वरी अबाउट इट गेटिंग फिनिश्ड, तो हमें ऐसी कोई टेंशन नहीं होगी कि पेट्रोल कभी ख़त्म हो जाए या ना ख़त्म हो जाए, वी कैन यूज़ इट एज मच एज वी वॉन्ट, हम इसको यूज़ कर सकते हैं चाहे जितना हम चाहे। तो ये सारी चीज़ें, अब ट्रेजर फ्रॉम द अर्थ मैंने आपको बताया, इट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड आउट ऑयल, ये बहुत ईजी नहीं है ऑयल को फाइंड करना। डीप डाउन बिलो द अर्थ साइंटिस्ट यूज स्पेशल टेक्निक एंड मशीन टू फाइंड दिस आउट,
अब हर जगह तुम खोदते रहोगे तो ऐसा थोड़ी ना हर जगह पे पेट्रोल मिल जाएगा। तो साइंटिस्ट बहुत टेक्निक्स यूज़ करते हैं कि कहाँ पे होगा पेट्रोल, उस हिसाब से वहाँ पे खड्डा खोदा जाता है, डिगिंग करी जाती है और बहुत ही गहरी डिगिंग करी जाती है। देन थ्रू द पाइप मशीन के थ्रू क्या करते हैं हम, पेट्रोलियम इज पम्प्ड अप, उसको बाहर निकाला जाता है। और दिस ऑयल स्मेल थिक एंड डार्क, ये काला और एकदम डार्क होता है, मतलब मोटा मोटा होता है, जिसे हम क्रूड ऑयल बोलते हैं। फिर उसके बाद वो कहाँ जाता है, रिफाइनरीज में जाता है, और वहाँ पे क्या हो जाता है, उसको रिफाइन किया जाता है। फिर उसी से ही उससे हमें क्या क्या मिलता है, केरोसिन मिलता है, डीजल मिलता है, पेट्रोल मिलता है, इंजन इंजन ऑयल मिलता है, फ्यूल एयरक्राफ्ट के लिए हमें फ्यूल, एलपीजी, वैक्स जिससे मोमबत्ती बनती है, कोल टार जिससे हम रोड बनाते हैं, और ग्रीस जो हम यूज़ करते हैं अपने व्हीकल में। ऑल्सो हमें क्या मिलता है, प्लास्टिक एंड पेंट, ये सारी चीज़ें हमें क्या मिलती है, कहाँ से मिल रही है बेटा, तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती है पेट्रोलियम से। तो आप समझ सकते हो कितना इम्पोर्टेंट है ये। आई स्टार्टेड अब आगे बात चल रही, आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट सेविंग ऑयल। मैं उसने स्टार्ट कर दिया कि कैसे ऑयल को सेव किया जा सकता है। आई रिमेम्बर दैट समटाइम बाबा कीप द इंजन ऑफ द ट्रैक्टर ऑन। मैंने देखा है कि बाबा जो होता है वो ट्रैक्टर का इंजन हमेशा ऑन ही रखता है, वाइल डूइंग मशीन समथिंग एल्स, और कुछ और कर रहा होता है और वही गाड़ियाँ चालू ही रहती है। एट टाइम द पम्प इन द फील्ड इज ऑल्सो लेफ्ट ऑन, है ना, तो वो ऐसे ही चलता ही रहता है। और फिर हाउ मच ऑयल वुड बी गोइंग टू वे, अब कितना तेल वेस्ट हो रहा होगा। आई थॉट आई विल श्योरली टॉक टू बाबा व्हेन आई गेट होम। मैं जब घर जाऊंगा तो बाबा से बोलूंगा भाई ऐसा मत करो, इंजन चालू मत छोड़ो छोड़ो छोड़ा करो, ताकि जिससे हमारा पेट्रोल कम खर्च हो। राइट, व्हाट ऑल कैन व्हीकल रन ऑन, ये आपको बताना है बेटा। व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम वी विल फेस इफ द नंबर ऑफ व्हीकल कीप इंक्रीजिंग, अगर कंटिन्यूसली अगर व्हीकल इंक्रीज होने लग जाए तो क्या होगा, तो बेटा ट्रैफिक बढ़ जाएगा, नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, और आपको जो आपके डिसीजेज है वो अलग से हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, मोर ट्राफिक ऑन रोड। टॉक टू योर एल्डर एंड राइट अबाउट इट, अपने बड़ों से बात करो, उसके बारे में लिखो। मंजू सेड, व्हाई डजंट एवरीवन यूज़ अ बस, सभी लोग बस यूज़ क्यों नहीं करते, क्योंकि कभी कभी क्या होता है उसमें बहुत ज़्यादा क्राउडिंग हो जाती है और लोग उसमें जाना पसंद नहीं करते। तो सजेस्ट सम वे टू डील विद द प्रॉब्लम अराइजिंग आउट ऑफ द ग्रोइंग नंबर ऑफ व्हीकल, कुछ प्रॉब्लम बताओ कि नंबर ऑफ व्हीकल क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि आजकल सभी को जल्दी है, इसके लिए नंबर ऑफ व्हीकल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सब कोई क्राउड में रहना नहीं चाहता, सभी अकेले अकेले भागना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि उससे कितनी प्रॉब्लम्स हमें हो रही है। व्हाट आर द बेनिफिट इफ़ वी स्विच ऑफ द इंजन ऑफ द व्हीकल एट द रेड लाइट ऑन द रोड, क्या होगा अगर हम रेड लाइट पे जाके अपना इंजन ऑफ कर दें, तो बेटा उससे पेट्रोल कम खर्च होगा, नॉइज़ पोल्यूशन कम होगा, काफ़ी उससे फ़ायदा होगा और बीमारियों के चांसेस भी कम हो जाएंगे। आपने देखा ही होगा ऐसा लिखा होता है, ऑयल ऑयल जैसे पेट्रोल और डीजल, 2002 में पेट्रोल का रेट कितना था बेटा, 29 रुपये था, और 2007 में पेट्रोल का रेट कितना हो गया, 43 रुपये 52 पैसे, और वही 2014 में कितना हो गया है, 67 रुपये 88 पैसे 86 पैसे, और वही 2020 में कितना हो गया है बेटा, 2020 में लगभग 74 के आसपास हो गया है। तो डीजल, और डीजल का प्राइस पहले 18 था, फिर 58 हो गया, नहीं 30 हो गया, फिर 58 हो गया, 59, अब आज की तारीख में ये चल रहा है लगभग 69 के आसपास। तो आपको पता चल रहा है बेटा कैसे ही डीजल और पेट्रोल के दाम कंटिन्यूसली बढ़ते चले जा रहे हैं। अब आपको एक कंपेयर करना है, देखो ये क्वेश्चन एंड आंसर, इसको कंपेयर करो 2014 में कम 2007 2014 को 7 से कंपेयर करो। 2014 में कितना था, 2014 में पेट्रोल कितना है, 67 रुपये, और कितना 2007 में कितना था, 43 रुपये, और कितना इंक्रीज़ हो गया 2014 में, 67 रुपये, मतलब कितना इंक्रीज़ हुआ, 24 रुपये के आसपास
इंक्रीज हो गया। व्हाट वाज द डिफरेंस इन द रेट ऑफ पेट्रोल एंड डीजल 2002 और 7 एंड 2014, मतलब 2002 से लेकर 7 के बीच में और फिर 7 से लेकर 14 के बीच में कितना डिफरेंस है। तो आप कर सकते हो बेटा, पहले इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, फिर इसको इसमें से माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फाइंड आउट व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन योर एरिया, आपके एरिया में जो डीजल और पेट्रोल का प्राइस क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग होता है, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी थोड़ा डिपेंडेंट होता है। व्हाई आर द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल गोइंग अप, ये क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इनकी खपत ज़्यादा हो गई, गाड़ी बढ़ती चली जा रही है और ये इनका और ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, लुप्त होने के कगार पे हो रहे हैं। इसकी वजह से इनका प्राइस बढ़ता ही चला जा रहा है, इनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, है ना, डिमांड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है तो ऑब्वियसली चीज़ें इन्फ्लेशन में आ जाती हैं। इन वन मंथ हाउ मच पेट्रोल एंड डीजल इज़ यूज्ड इन योर होम, तुम्हारे घर में कितना यूज़ होता है ये आपको बताना है, तुमने कितना यूज़ किया ये आपको बता देना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप क्या, वेयर आई एम यूज्ड, आप ये सारी चीज़ें यूज़ करते हो तो आपको बताना है। सेव फ्यूल मेक इट हैबिट, आपको फ्यूल को सेव करना है, उसे बचाने की कोशिश करना है। तो सी द पोस्टर एंड राइट, पोस्टर देखो और राइट करो, ये जो आपने ऊपर पोस्टर देखा ना, ये पोस्टर देखो, इसके ऊपर से आपको कुछ क्वेश्चन आंसर लिख देना है। ये एक छोटी सी कविता है तो इसको हमने देखना नहीं है। तो ये आपको थिंक एंड डिस्कस, सोचना है। व्हाट वुड हैपन इफ़ यू डोंट गेट पेट्रोल एंड डीजल फॉर अ वीक इन योर विलेज और टाउन, अगर तुमको पेट्रोल और डीजल ना मिले तुम्हारे एरिया में एक हफ्ते तक तो क्या होगा, सारी गाड़ियाँ स्टॉप हो जाएंगी, सारी बसेस स्टॉप हो जाएंगी, सारी बाइक स्टॉप हो जाएंगी, सारे कारखाने बंद हो जाएंगे, काफ़ी लॉस हो जाएगा, लोगों की दिनचर्या में काफ़ी इफेक्ट आ जाएगा, तो इसकी वजह से बड़ा नुकसान हो जाएगा। सजेस्ट, और आप समझ सकते हो यहाँ से इसकी इम्पोर्टेंस ऑफ द पेट्रोल एंड डीजल। सजेस्ट सम वेज टू सेव ऑयल, आप ऑयल कैसे सेव कर सकते हो, मैंने बताया जैसे आप इंजन बंद कर दो, कम से कम गाड़ियाँ निकालो बाहर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो, ये सारी चीज़ें आप यूज़ करोगे तो आप पेट्रोल को ऑयल को सेव कर सकते हो। वुड फॉर चूल्हा, ये दुर्गा है, एक दुर्गा की कहानी है जो हरियाणा की रहने वाली है, वो डेली जाती है, घंटों घंटों स्पेंड करती है और लकड़ी उठा के लाती है घर में जलाने के लिए अपनी बेटी के साथ, है ना, और वो लकड़ी से इतना धुआं निकलता है, उसको कफ हो जाता है, मतलब खांसी हो जाती है, लॉट ऑफ स्मोक क्योंकि उसमें से निकलता रहता है जब वो लकड़ी जलती है। बट दुर्गा डज नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि उसके पास कुछ पैसे ही नहीं है जिससे वो LPG खरीद सके, है ना, ये सारी चीज़ें उसके साथ हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है, अब आपको डिस्कस करना है, देखो डिस्कस करो। हैव यू एवर कलेक्टेड ड्राई वुड और मे काउ डंग उपले वगैरह बनाने की कोशिश करी है, लकड़ी इकट्ठे करने की कोशिश करी है, उससे अपने कभी खाना बनाने की कोशिश करी है, ये सारी चीज़ें आपको देखना है, सोचना है। डू यू नो एनी वन हु कलेक्ट ड्राई वुड, या फिर आपने अगर ये सब नहीं किया है तो आप किसी को जानते हो जो ड्राई वुड कलेक्ट करते हैं, लीव कलेक्ट करते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें कलेक्ट करते हैं, किसके लिए, चूहे के लिए जलाने, ताकि उनका चूल्हा जल जाए। तो हु कुक फूड इन योर फैमिली, कौन बनाता है तुम्हारी फैमिली में और तुम्हारे एरिया में, ऐसा कौन है जो इस तरीके से बनाता है। इफ़ दे कुक फूड यूजिंग वुड और उपला, काउडंग, उपला किसे बोलते हैं, जो काउडंग का होता है उसे हम बोलते हैं उपला, गोबर को सुखा के बनाया जाता है। तो व्हाट कैन डिफ़िकल्टी डू दे फेस ड्यू टू द स्मोक, वो काफ़ी आँखों में उनके बहुत पेन होता है, आँखों से आंसू निकलते हैं और फिर खांसते भी बहुत ज़्यादा, ये सारी चीज़ें उनके साथ होती है। कैन दुर्गा यूज़ एनीथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ द वुड, क्यों, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं है, इसके लिए वो यूज़ नहीं कर पाती ना। टुडे 2/3 पीपल
इन आवर कंट्री यूजिंग उपला, 2/3 पीपल मतलब बहुत ज़्यादा लोग उपला यूज़ कर रहे हैं, वुड यूज़ कर रहे हैं, ड्राई ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। दीज आर द यूज नॉट ओनली फॉर द कुकिंग फूड बट ऑल्सो कीपिंग द वॉर्म फॉर हीटिंग हीटिंग, ये खाना बनाने के लिए नहीं, पानी गर्म करने के लिए भी यही चीज़ें यूज़ करते हैं। लाइटिंग मैनी अदर थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों के लिए, बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो अब उनके घर में देखो ये तो है नहीं, केरोसिन, LPG, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें तो है ही नहीं, तो कहाँ से करेंगे। कंचना हैड सीन अ बार चार्ट, एक बार चार्ट देखा कंचना ने, जो हम बार चार्ट को देखते हैं, यहाँ से बार चार्ट को डिस्कशन करते हैं। तो देखो 1976 का है और 1996 का है, तो ये 100 लोगों का चार्ट है। तो एक आदमी 1976 में 100 में से एक आदमी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता था और अब 5 आदमी हो गया 1996 में। फिर वही 1976 में कोल 5 आदमी यूज़ करते थे, आज 2 आदमी हो गए हैं। वो फिर LPG गैस 10 लोग यूज़ करते थे 100 में से, आज 18, मतलब कितना आप सोच सकते हो कितनी बेरोजगारी। उपला देखो पहले 84 लोग यूज़ करते थे, अब 75 लोग यूज़ करते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। तो आपको पता चल सकता है बेटा कितनी गरीबी है और अवेयरनेस कम है। तो बेटा अब हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसके लिए प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।